जगदीशपुर प्रखंड के पूर्वी आयर में पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह वर्तमान में उम्मीदवार अशोक सिंह ने पूर्वी आयर पंचायत के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि जिस तरह से 2009 से 2019 तक कार्य किए थे, किसानों के लिए वैसा ही कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में किसानों का शोषण हुआ है, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। अशोक सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान वर्तमान अध्यक्ष के कार्यों और किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में किसानों की समस्याएं बढ़ी हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेंगे। R9 भारत के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। इसके पहले भी आप लोग के सामने अपनी बातें सब रख चुका हूँ। तैयारी हमें नहीं करनी है, तैयारी जनता को करनी है। नया मैं कोई जो है परिचय देने के लिए नहीं आया हूँ कि तैयारी के विषय में मैं बताऊँ। जग जाहिर है यहाँ की जनता जो किसान है, चूँकि जानते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं है, ये सहकारिता से जुड़ी हुई एक संस्था है जो प्राइमरी स्टेज पर किसानों के हित में, ये सहकारिता से बिलोंग करती है, किसानों के हित में इस संस्था का निर्माण हुआ कि सस्ते दर पर बीज उर्वरक का जो है कि खरीदारी जो है कि सुनिश्चित किया जाता था पूर्व में। बीच में बिहार सरकार का जब उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं सहकारिता मंत्री थे रामधार बाबू, उस समय से जो है कि प्रोक्योरमेंट के जो है कि आदेश हुआ राज्य सरकार के गाइडलाइन पर, तब जा कर के पैडी प्रोक्योरमेंट जो है कि शुरू हुआ। तब से थोड़ा सा जो है कि किसानों के अंदर जो है कि उत्साह जगा। किसान मालिक है तो हार जीत तो होता रहता है, हमें तो नहीं लगा कि हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया, जो किसान रूपी जनता है वो मैंडेट दिया, तो उस मैंडेट को स्वीकार करना है। यही तो लोकतंत्र की खुशबू है। इस पर टीका टिप्पणी करने की हमको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, हम नहीं समझते हैं। कब से कब तक पैक्स अध्यक्ष थे? हम 2009 से लेकर के 2019 तक जो है कि लगातार 2 टर्म जो है कि पैक्स अध्यक्ष रहे। इस बार 5 प्रत्याशी मैदान में हैं जी। अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो देख रहे हैं कि जनता कमर कसकर तैयार है, खड़ी है और साथ में चलने के लिए हमें उम्मीद है कि अवसर निश्चित तौर पर प्रदान करेगी। और मैं लोगों के दिल जीतने के लिए जो भी कमियां भी होंगी मैं एडमिट करता हूं, कमियां तो हमसे नहीं हुई है, लेकिन यदि किसानों के अंदर कोई भी कमियां हुई भी हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसमें सुधार लाने का प्रयास करूँगा। जनता चुनाव जिताती है तो पहला किसानों के लिए क्या कार्य कीजिएगा? किसान के हित में आप जानते ही हैं कि किसान के हित में ये जो है पैक्स जो है उर्वरक व्यवसाय, इसके बाद PDS, बहुत से ऐसे पैक्स है जो कि PDS से वंचित है, लेकिन यह पैक्स जो है कि मैं जब पुनर्गठन पैक्स हुआ, पहले लक्ष्मीपुर में था, इसके बाद जब पुनर्गठन पैक्स हुआ तो हम PDS के लिए जो है कि बहुत अथक प्रयास किया, जबकि मापदंड नहीं हो रहा था, मैंने मिलने के लिए वो जो है कि सहयोग नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अनुमंडला पदाधिकारी वगैरह से कोशिश किया, कहा कि सर हमारे यहाँ की आबादी ज़्यादा है, कोशिश किया जाए कि एक जन वितरण प्रणाली का भी दुकान मुहैया हो। तो उसमें जो है कि वो आश्वस्त हुए, इसके बाद उनके मार्गदर्शन में जो है कि PDS जो है कि सर्वप्रथम जो है कि मिला, तो लोगों के अंदर उत्साह जगा। बहुत से किसान ऐसे भी है जिनका निर्वाचन या मतदान में नाम उनका नहीं जोड़ा गया, कारण क्या है उनका? नहीं, अब देखिए, अब निर्वाचन जो है कि इस समय जो छूट गए हैं, तो अब तो सरकार का गाइडलाइन है कि ऑनलाइन प्रोसेस से आप आइए, यदि अध्यक्ष कोई भी हो, अगर मान लीजिए शिकवा शिकायत होती है, लेकिन हमको उम्मीद है कि नाम जोड़ने या न जोड़ने से, यह सहकारी संस्था है, किसानों की संस्था है। कुछ लोग समझते हैं कि हम नाम जोड़ लेंगे तो वोट का अधिकारी बन जाएंगे, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं जोड़ा गया है वो जो है किसान नहीं है, उनसे भी आपको जो है कि पैडी प्रोक्योरमेंट करना है। 3 ठो इसमें मुख्य मुद्दा है, धान आदि प्राप्ति का काम है, उर्वरक व्यवसाय है और PDS है, 3 ठो बिलोंग करता है। इसके बाद रह गई बात KCC की, तो KCC वगैरह तो समझ लीजिए कि हम जब से कराए हुए हैं, हमें तो हमारे पिछले जो अध्यक्ष है अभी, मैंने उनको तो निवर्तमान क्या कहेंगे, अभी तो मान लीजिए वर्तमान में हैं, तो उनके माध्यम से हमें तो नहीं लगता है कि एक भी कलम जो है कि KCC हुआ हो। हमने ही जो है कि कोऑपरेटिव विभाग से
जो है कि लोगों को जोड़ा, और जो भी अच्छे किसान अपने आप को महसूस करते थे खाद वगैरह खरीदारी करने के लिए, चाहे कीटनाशक दवा हो, तो जो भी उनका लैंड पोजीशन था उस आधार पर उनको केसीसी कराया। समय समय पर लोग रिन्यूअल कराते हैं और कराना भी चाहिए। अगर सही सहयोग मिलेगा तो कोऑपरेटिव विभाग जो भी है बैंक आपको जो है कि सहयोग करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, जो आप पांच नहीं रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, तो ऐसा जो है कार्य जो है आप करने के लिए पहले से अगर रणनीति बनाए होंगे तो कौन कौन सा कार्य जो है पाँच सालों में नहीं हुई आप जो है आने के बाद कीजिएगा? मैं बता रहा हूँ आपको कि जो किसान हित में जो भी सरकार का गाइडलाइन होगा उसको अमली जमा पहनाने के लिए हम किसान से मिल करके कंधे में कंधों मिला कर करके चलने का प्रयासरत रहेंगे। जैसे भी मैंने किसान की खुशी हमारी खुशी है, जनता खुश रहेगा, किसान खुश रहेगा, तभी हम खुश रहेंगे। अरे उसका MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार का जो मानक है, उसके अनुकूल कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहले तो धान जो है कि उतना हम लोगों के पीरियड में दो टर्म रहे हैं उस समय धान का जो उत्पादन नहीं होता था। अब पता लगा लीजिए, आप जो पत्रकार हैं आपको मालूम होना चाहिए 2019 के पहले पटवन वगैरह की जो है कि साधन नहीं थी। लोग जो है कि डीजल पर और मिट्टी वगैरह तेल पर किसी तरह जो है कि अपना निर्भर होकर करके अपना जो है कि पैदा करते थे। बहुत लोग खेती भी नहीं कर पाते थे। इस समय भी कभी कभी प्रकृति की विविधता ऐसा है कि साथ नहीं प्रकृति देती है, तो किसान जो है कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के चलते जो है कि उसमें उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार ठीक है। सिंबल क्या है, सिंबल क्या मिला है सर? सिंबल है मोतियों का माला, एक नंबर पर है। पूर्वी आयर पंचायत के जितने भी किसान भाई, क्या आग्रह रहेगा आपके अनुसार? हम तो अपील करेंगे कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हमसे जो भी काम हो, ये तो काम उनका, ये तो हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि किसान की प्रतिष्ठा, किसान की मान सम्मान हमारी मान सम्मान है, चाहे जिस भी रूप में हो। इसे हट करके भी हम जो है लोगों के बीच में हमेशा सदैव खड़ा रहते हैं। फिर से आपको किसान विश्वास आप पर जीता है, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं किसान के पास? पाँच साल उनके लिए, किसान के लिए क्या हुआ, क्या समस्याएं रह गई है पाँच साल में? जी, किसान के जो बहुत से ऐसे किसान हैं, पाँच वर्ष में बहुत से ऐसे हमारे पंचायत के किसान हैं, आप पता लगा लीजिएगा ग्रामीण जनता से कि वो बेचारे धान जो है कि अपना प्रोडक्शन किए, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो है कि बहुत से ऐसे किसान थे जिनको जो है कि खरीदारी नहीं कर पाए। तो हम ये समझते हैं कोई भी अध्यक्ष हो, चेहरा देख कर करके खरीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाहिए। पैक्स किसानों की एक संस्था है, सबको लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने विदाउट, बिना पैक्स अध्यक्ष रहते हुए जब हम हार गए तो आम आदमी की तरह न हो गए जी, हम ही तो किसान हो गए। लेकिन फिर भी जो है कि किसान हित में हमने यहाँ पर धान का प्रोक्योरमेंट कराया, जिस भी एजेंसी के द्वारा, मिलर के द्वारा, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा, अन्य जगहों पर उनका जो है कि मैं बिक्री कराया हूँ। उर्वरक का व्यवसाय की जहाँ तक बात हुई, मैं हारने के बावजूद भी पाँच वर्ष तक मैं किसानों के बीच में रहा हूँ, किसी भी एंगल से उनको मैं कमी होने का जो है कि अवसर नहीं होने दिया। ये नहीं खला कि यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष रहते हुए भी उनको जो है कि महसूस हो कि हमारा जो है कि कोई हितैषी नहीं है, उस जगह पर मैं खड़ा रहा। और ये आपको मैं विश्वास नहीं, पूरा वादा करता हूँ कि हमें उम्मीद है कि जनता कमर कस कर तैयार है और एकदम कंधे में कंधे मिला कर कर करके 27 तारीख को जो आने वाला जो चुनाव है वो ऐतिहासिक जो है कि जीत दर्ज करेगी। विगत दो टर्मों का जो है कि रिकॉर्ड जो है कि तोड़ने का प्रयास करेगी। जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो जनता के कंधों में कंधे मिला करके हम जो है कि चलने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल रहा, क्या सहकारिता विभाग के तहत कोई भी तंत्र में मिला, जैसे कृषि के लिए ट्रैक्टर होता है? जी जी जी, बोरिंग होता है, कितना उपयोग किसान? मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोगों का शिकवा शिकायत जनता के बीच में आया है। जब से मैं शुरुआत में 2009 में जब निर्वाचित हुआ, उस पीरियड में भी जो है कि गोदाम निर्माण वगैरह के था, सरकारी ज़मीन अनुपलब्धता होने की वजह से जो है कि निर्माण कार्य में अवरुद्ध हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं, एक हमारे मित्र श्री भगवान जी हैं, अभी वो कैंडिडेट के रूप में हैं, वो भी अध्यक्ष के तौर पर प्रत्याशी हैं, उनके ज़मीन पर मैंने ऑर्डर कराया था, विभाग में अभी भी जो है कि रखा हुआ है। लेकिन हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो है कि गोदाम निर्माण में भी कराने से वंचित हो गए। इसके बाद जो है कि ट्रैक्टर की आपने जो बात बताया,
ये ऑन पेपर में बता रहा हूँ कि सारा जो है कि पूर्वी आर पैक्स के अंतर्गत पास हो चुका था, उसमें भी सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन हम उस पर उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। क्या उनकी रुचि रही नहीं रही, क्यों जो है कि उस वो ध्यान नहीं दिए, 5 वर्ष जो है कि अब उनका टर्म जिस तरह बीता तो जनता मालिक है, उनसे आप पूछिएगा, जनता जवाब देगी। अगर आप जीत के जाते हैं तो किसानों के लिए क्या कीजिएगा? 2 काम। किसान हित में जो भी मैं आपको बता दिया, किसान हित में जो भी जिम्मेवारियाँ मिलेगी, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिलेगा, उसको मैं एकदम 100% कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अशोक कुमार सिंह, वर्तमान में मैं पूर्वी एयर पैक्स का प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हूँ।